अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। फैसाबाद की तहसील तांदलावाला के नवा इलाका चक नंबर 431 गाबे बुराला से थाना सिटी तांदलावाला की दूध में तेरे कत्ल का अफसोसनाक वाकया। स्त्याना जामरा रोड पुल बुराला पर तीन अफराद कत्ल। पुलिस स्टेशन सिटी तांदलावाला की पुलिस मौका पर पहुंच गई। वाकये की इतला मिलते ही SP टाउन और DSP मौका पर पहुँच गए। तीन कत्ल हुए और भाई माना अंदाज में कत्ल किया गया, तो पुलिस की स्ट्रेटजी इस हवाले से अब क्या होगी? मुलजमान भी फरार हो चुके हैं। यकीन है ये इंतहाई अफसोसनाक एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक ही फैमिली के तीन लोग जो है उनका मर्डर हुआ है। इनिशियली जब हमें जब इतला मिली हम मौके पर पहुँचा हूँ तो उसमें जो चीज़ सामने नजर आई है कि रात के टाइम ये बता रहे हैं कि जो निज़ाम लग गए मर्डर किए उनका एक शख्स गली में एक रिक्शे के पास खड़ा था और उसका सोच रहा था कि जैसे अपनी चाहिए उसकी चोरी कर रहा है। वो पीछे से इनकी बरादरी के एक शख्स ने आवाज़ दी कि वो भाग गया। भागने के बाद जो उसका पीछा किया उसने मिशन उसको आइडेंटिफाई कर लिया। सुबह जिस दिन उन्होंने फिर मस्जिद में अनाउंसमेंट की ताकि जो सस्पेक्ट लोग हैं उन्होंने कहा जी बात यह कि फलां फलां अशखास जो है इस वाक़े में रात वाले वाक़े में इन्वॉल्व है वो आए और हमारे साथ इस मामले को क्लियर करें और पसंद आ दें। उसमें दूसरी तरफ से बरादरी के लोग भी इकट्ठे हुए, ये भी इकट्ठे हुए और इसी दौरान इनकी आपस में यहाँ पर झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ सीखने के दौरान उन्होंने इनको फायर मारा जिसकी वजह से ये लोग झगड़े हुए। इनिशली अभी तमाम जो यहाँ पर एविडेंस है वो हमने इकट्ठी कर ली है और PFSC की टीम भी पहुँच रही है जो भी एज़ पर लॉ है इसको इंशाल्लाह हम वसूल करेंगे। जो मुलजमान वाकई हैं उनके लिए हमने टीमें तरतीब दे दी है, इंशाल्लाह उनको जल्द अज जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और एज़ पर लॉ उनको प्रोसीड करेंगे और उनको जेलों में भिजवाएंगे। सर यहाँ पर एक और इल्ज़ाम जो है वो सामने आ रहा है यहाँ मकामी लोगों की जानब से कि पुलिस पकड़ सकती थी मुलजमान को और एक ASI है, नाम नहीं उनका पता मुझे, उनकी जानब से फरार होने का मौका दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा एक शदीद किस्म का इंसिडेंट हो जाए और फायरिंग हो जाए, टीम मर्डर हो जाए, तो ये एक नेचर फिनोमेना है कि मुलजमान वहाँ से फौरन फरार हो जाते हैं। पुलिस को कॉल की, पुलिस मौके पर पहुँची, यहाँ से हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कलेक्ट की जो हमें रिक्वायर्ड है इस केस में और इंशाल्लाह हमको पकड़ेंगे। और पुलिस ये मेरे लेवल पर इस चीज़ को देखा जा रहा है, DSP कंसर्न जो है वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, हमारी तमाम टीमें तरतीब टीम जो है हमारी वो तरतीब को दे दी गई है, तो इंशाल्लाह हम इनको पकड़ेंगे और इनको हम एज़ पर लॉ जो है इसको प्रोसीड करेंगे। मैंने इनके सर पर हाथ रखा है और इनको मैंने बताई ये बात कि हम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं और हम आपको इसमें इंसाफ दिलवाएंगे और जो अब जो भी इसमें मदई बनता है वो अगर एक्शन करते हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो आप इस बारे में बिल्कुल ये तमाम गांव के लोग इस हवाले से उम्मीद है और उन्हें हम पे इत्माद है कि हम उनकी मदद के लिए यहाँ पे आए और हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे। चोरी की थी ने असा वेख्या असा बजाए ने असी जी मगर लग गया फायर किए ने असी खड़ो गया वापसी घर आ गया। सुबह जी असा रेख नू सियाण लिया सुबह असा ऐलान कराया जी भी साडे नान के मौके जो अगे भी जुग्गा बने ने उस मुथाज है शोदा लूला उनका जुग्गा बने इन्हें असा जी ऐलान कराया भी साडे ने मुका लो पूरा साडी मंदी सुनती कोई नहीं जी। सर मुड़ सुबह असा किसी ऐलान किया 8:30 उस सर आते ने लाए पे ने माइया बंदे डांगा लाए के आ गए ने बंद पिछे हटाया भी पर जानती कराओ तुसा ने ऐलान किया उन्होंने मुक जाओ वो जी कोई पिछे अग हट गए ने बाद जी मुड़ ना थड़े मार लेने भी एक नहीं हलन बोलन ना तो आप मुकना है असी जी बंदे ने गलू आए भी जा तू दरखास्त दे उन्हें जी अगू थड़े मारे होना उस साड़ी लड़ाई शुरू हो गई उन्हें जी घरों काट काट के छेक के सानू मारे ने जी नाल कितने लाशा पे इतना छावा दिली उन्हें जी सहर का घर है इतों अंदरों उन्होंने छेक के जी लाए गए ने पितरेर उन्हें नाल इतने बैठा से अंदरों छेक के साइड से पवाई नाल मारे ने हूँ कि रबीना बीबी है उत्थे माइया कट्ठिया हुई सवाणिया भी छिकन ध्यान बंदे भी उन्हें जी उत्थे फायर उन्होंने मारिया पर पहली साइड से नज्जू के पुत्र जी उन्हें नाम शायद इकबाल उस फायर मारा रबीना ने सर अगे मुड़े खुराम उनका विराह गेंग इन्हों जी कि गेंग मास्टर है ना वो इन्हों बशीर वलदा शामा दली वो जी गेंग मास्टर इन्हों का उस जी कतल बड़ा कतल किए ने लुट मार पत्था भी लेंदा साढ़े पिंड आम बंदे बोलते ने पिया थोड़े मगर खड़े ने इन्हों को पत्था लेंदा शो दे बोलते नहीं चलो सत्तर 80 परचा जी कतल
भी तू 25 कतल उन्हें साढ़े पिंड के कीते ने भी तू 25 कतल कीते रिकॉर्ड काट के दिखा पुलिस इतनी क्यों स्लो है क्यों नहीं एक्शन लेंदी इस बारे सर पुलिस उन्हें ना रली हुई है पुलिस पैसे लेंदी हां जी हां जी पैसे लेंदी रली हुई है किसी कतल में भी वो फांसी नहीं सर नहीं हो सर बंदे शोजे।